Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. Presents Defense News. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सनवाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ अल्फा रेजिमेंट, जहां पर हम अलग अलग तरीकों के डिफेंस से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सटीक और सही जानकारी दें और डिफेंस से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अल्फा रेजिमेंट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव जारी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा इस समय भारत के साथ एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है, लेकिन कनाडा नई दिल्ली के साथ रचनात्मक संबंध रखना जारी रखेगा। ट्रूडो ने यह भी कहा कि कनाडा के लिए भारत में डिप्लोमेटिक रिलेशंस होना महत्वपूर्ण है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति बाधित। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि रूस से 2 स्क्वाड्रॉन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बाधित हुई है, लेकिन अब इसके अगले साल पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि हम लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंडिजीनियस प्रोजेक्ट कूसा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। HAL से भारतीय वायुसेना को पहला LCA ट्विन सीटर ट्रेनर विमान मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से भारतीय वायुसेना को पहला LCA ट्विन सीटर विमान मिलने वाला है। यह भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और HAL के चेयरमैन CV अनंत कृष्ण सहित प्रमुख व्यक्ति शामिल होंगे। भारत और बांग्लादेश ने उमरोई में शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास स्मृति 11। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश ने मंगलवार को मेघालय के उमरोई में 11वें वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास स्मृति 11 की शुरुआत की। इस अभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं के बीच मिलकर काम करना है, जिसमें भारत और बांग्लादेश से करीब 350 सैनिक भाग लेंगे। चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद पर छलांग लगाई। जी हाँ दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने चांद से एक और खुशखबरी भेजी है। चांद पर विक्रम लैंडर ने न केवल छलांग लगाई बल्कि दूसरी बार भी सफल लैंडिंग की। इसरो के अनुसार अंतरिक्ष यान 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उछला और 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच फिर से सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।